राज्यसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग से पहले ही भाजपा एनडीए के 5 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। मंगलवार को नामांकन वापस लेने की आखिरी तिथि थी। समय सीमा समाप्त होने के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को राजस्थान से राज्यसभा सदस्य के रूप में निर्विरोध विजय घोषित किया गया। इसी तरह भाजपा उम्मीदवार किरण चौधरी को हरियाणा, केंद्रीय मंत्री व भाजपा उम्मीदवार जॉर्ज कुरियन को मध्य प्रदेश से और बिहार से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और मनन कुमार मिश्रा को राज्यसभा उपचुनाव में निर्विरोध विजय घोषित किया गया। राजस्थान में राज्यसभा उपचुनाव के लिए 3 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए थे, जिनमें से भाजपा का एक डमी उम्मीदवार था। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 27 अगस्त थी। निर्दलीय उम्मीदवार बबीता वाधवानी का नामांकन पत्र 22 अगस्त को जांच के दौरान रद्द कर दिया गया था। भाजपा के डमी उम्मीदवार सुनील कोठारी ने शुक्रवार को अपना नामांकन वापस ले लिया था, जिससे रवनीत सिंह बिट्टू उपचुनाव में एकमात्र उम्मीदवार रह गए। राजस्थान विधानसभा के प्रमुख सचिव और चुनाव अधिकारी महावीर प्रसाद शर्मा ने मंगलवार को बिट्टू को निर्विरोध विजय घोषित किया और उन्हें प्रमाण पत्र प्रदान किया। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल के लोकसभा सांसद चुने जाने के बाद राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद यह सीट खाली हुई थी। हालांकि कांग्रेस ने राज्यसभा उपचुनाव में उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया था। वहीं रवनीत सिंह बिट्टू उपचुनाव में एकमात्र उम्मीदवार बनने के बाद उन्हें भाजपा के कई दिग्गज नेताओं ने बधाई और शुभकामनाएं दी है।